अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर मेऊ। आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं दरअसल यहाँ पे था नहीं, इसलिए मैं आपको अपडेट देने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो मैं अभी आया हूँ, तो आते ही मैंने सोचा कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, आपको अपडेट दे दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये PCB ने लाहौर में शेड्यूल पाकिस्तान सुपर लीग के 14 एडिशनल के मैचेस कराची में मुंतकिल करने के बाद नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यानी कि अब कराची लाहौर के जो 3 मैचेस थे वो अब कराची में ही होंगे, लाहौर में नहीं होंगे। लाहौर में शेड्यूल 3 मैचेस कराची मुंतकिल किए जाने के बाद अब पहला मुकाबला 9 मार्च बरोज हफ्ते को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। 10 मार्च को बरोज इतवार कराची किंग और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे खेलेंगी और 11 मार्च बरोज पीर को इस इवेंट के आखिरी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे, और जबकि कराची किंग और पिशावर जलमी का मुकाबला शाम 7 बजे खेला जाएगा। फ्रेंड्स, आज की यही अपडेट है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और ये बस लाहौर वालों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है कि लाहौर के 3 मैचेस ख़त्म करके कराची मुंतकिल कर दिए हैं, क्योंकि ये जंग के जो हालात हैं उनकी वजह से बस ये फ़्लाइट्स का मसला था कि फ़्लाइट जो कि नहीं मिल रही, तो इसलिए फ़्लाइट जो कि उड़ नहीं रही हैं आजकल, तो इसलिए फ़्लाइट का मसला था, इसलिए सारे मैचेस कराची मुंतकिल कर दिए हैं। तो लाहौरियों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, लेकिन चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।